ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के MY अस्पताल में रविवार शाम एक दिन का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। एक महिला नर्स बनकर आई और बच्चे की नानी के साथ वार्ड से बच्चे को बाहर ले आई। बच्चे चोरी होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बच्चे के पिता ने MY अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना रसीद बच्चा बाहर जा नहीं सकता। ये जानकारी तो गार्ड को पता होगी कि बच्चा आखिर बाहर कैसे गया। तो मेरे को इतना मालूम नहीं है कि मैं यहाँ से 4 बजे निकला था। बच्चा जब ठीक ठाक था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। उसके बाद में मैं यहाँ से निकला, 4 बजे बाद में घर चल गया। फिर 7 बजे मैंने बोला मैं कपड़े और वो लेकर आ रहा हूँ तिल्ले तोड़ने के लिए, बिस्तर, तो जब तक तू मम्मी और इसका ख्याल रखना। तो बस इतनी सी देर में मैं घर गया। घर से सिर्फ मेरे कपड़े और बैग लेकर 7 बजे जस्ट यहाँ ही पहुँचा था। इतने में बच्चा गायब मिला। तो मेरे को मेरी सास यहाँ से वहाँ तक भटकते हुए दिखी, उस कोने से इस कोने तक। मैं कपड़े रख के ऊपर से नीचे आया था बस, वो मेरी सास वहाँ दिखी मेरे को, तो भक्का आ रिटर्न यहाँ पर। तो उसके बाद से मेरा बच्चा गायब था। मैंने मेरी सास से पूछा बच्चा गायब, तो बोले वो इधर के वार्ड में लेगी। इधर का वार्ड में गया फिर तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ऊपर के वार्ड में गया, 15 नंबर में, उसमें भी कोई भी नहीं था, सब जगह घूमगा। और CTC कैमरे में भी ये लिखा हुआ दिखा में आया कि वो लड़की लेकर भाग रही थी उसमें। अब ये तो देखा नहीं अपन ने भी, देखेंगे तो पहचान जाएंगे। बोलना मास्क लगा रखी हो, ड्रेस अंदर के डॉक्टर के, हाँ, नर्स वाले। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, पर अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। थाने के अंतर्गत MY हॉस्पिटल में एक दिन का नवजात शिशु गायब हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है। वहाँ से जो प्रारंभिक तहकीकात हुई है और CCTV फुटेज मिले हैं, उसके अनुसार एक महिला जो करीब 23-24 साल की लग रही है, वो वहाँ पर गई और उसकी नानी से बोली बच्चे की कि इसकी धड़कन कुछ धीमी चल रही है और इसको मुझे चेकअप लिए ले जाना है। तो उसके साथ उसकी नानी भी कुछ दूर तक गई, लेकिन उसके बाद वो चेकअप के नाम पर बच्चे को लेकर के गायब हो गई। जैसे ही सूचना मिली एकदम से हड़कंप मच गया और सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ खास सफलता अभी तक मिली नहीं है। वेशभूषा जो है, लड़की ने लेगीज पहनी हुई है और कुर्ती पहनी हुई है, दुबली पतली सी है और 23-25 साल की ही लग रही है। बालों में भी उसने वो पहन रखा था, कैप पहन रखा था, जो आजकल कोरोना की वजह से सब लोग पहने रहते हैं। तो इस वजह से नानी को और बच्चे की माँ को शक नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद नर्स ही है, लेकिन वो नर्स नहीं थी और बच्चा गायब कर दिया। MY अस्पताल में बच्चा चोरी होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2016 में भी एक बच्चा चोरी हुआ था। पड़ताल में खुलासा हुआ था कि चंद्रनगर की रहने वाली एक महिला ने बच्चा चोरी किया था। इस मामले ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।